हेलो हेलो हेलो, तो कैसे हो भाई लोग, मज़े में हो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन सुमैनिक स्टूडियो की कौन कौन से गेम फ्यूचर में आ सकते हैं। तो जैसा आप लोग को पता है कि स्पाइडरमैन 2 जस्ट रिलीज हुआ है और रिलीज होने के बाद क्या तबाही मचाया है। इवन इन सुमैनिक स्टूडियो का सारा रिकॉर्ड ये लोगों ने ध्वस्त कर दिया है। इवन फर्स्ट डे में 2 मिलियन से ज़्यादा ये गेम सोल्ड आउट हुआ था। तो मैं आपको बता दूँ, स्पाइडरमैन 2 के सक्सेस को देख के तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा गेम आ सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें स्टार्ट करते हैं वोल्वरिन गेम से लेके। तो आपको पता ही होगा कि 2021 में छोटा सा टीजर आया था, उसके बाद कुछ र्यूमर नहीं कि क्या हो रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, ये गेम ऐसा बोला जा रहा है कि 2024 के लास्ट या 2025 के स्टार्ट में आ सकता है। तो बात यह है कि स्पाइडरमैन 2 जैसे ही गेम मार्केट में आया, उसके बाद सारे डेवलपर को मूव किया गया है वोल्वरिन गेम पे काम करने के लिए। और ऐसा भी र्यूमर है कि इसका काम बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये गेम जल्दी से आए और इन सुमैनिक गेम का जो रिकॉर्ड है वो इसे ध्वस्त कर दे। तो नेक्स्ट गेम आ सकता है इन सुमैनिक गेम की तरफ से, वेनम। तो मैं आपको बता दूं, इसका इंट्रोडक्शन आपको स्पाइडरमैन 2 में दिखा होगा कि कहां से वो कहां तक जा रहा है, मतलब कि कैसे वो हावी हुआ है और क्या क्या तबाही मचा है। लेकिन उसका ओरिजिन नहीं दिखाया गया कि एक्चुअली वो आया कहाँ से था। तो मैं आपको बता दूँ, उनके जो क्रिएटिव डायरेक्टर थे तो उन्होंने बोला था कि अगर दर्शक डिमांड करते हैं तो हम डेफिनेटली इस गेम का स्पिन ऑफ ला सकते हैं। और जैसा स्पाइडरमैन 2 का हाइप रहा है तो डेफिनेटली सारे दर्शक चाहेंगे कि वेनम जितना जल्दी हो सके गेम आए। तो भाई मैंने स्पाइडरमैन 2 में वेनम का कुछ पार्ट खेला और जो वेनम का पावर है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इवन स्पाइडरमैन को भी वेनम का पावर मिला था। तो मैं आपको बता दूँ, ये गेम बहुत ही जल्दी ये लोग मार्केट में ला दें और मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस गेम को खेलने के लिए। तो नेक्स्ट गेम हो सकता है डेयर डेविल, क्योंकि स्पाइडरमैन के कुछ कुछ गेम में इनका थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ हिंट दिया गया था। इवन स्पाइडरमैन 2 में उनका जो घर के आगे बोर्ड था जिसपे लिखा रहता था मैट मर्डॉक, उनका साइन इस बार उन्होंने हटा दिया लेकिन फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया। और जब लोगों ने इसे कैच किया तो उनके जो डायरेक्टर है उन्होंने बोला गुड कैच। तो उनके जो डायरेक्टर लोग थे वो लोग एक यूट्यूब वीडियो पे थे, उनके लास्ट में भी वो लोगों ने डेयर डेविल का हिंट दिया है। तो हो सकता है कि डेयर डेविल पे भी आपको एक नया गेम देखने को मिल सकता है। एज ए मार्वल फैन मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि भाई इस पे भी आप लोग गेम बना ही दो। तो नेक्स्ट र्यूमर ये है कि इंसोमैनिक स्टूडियो एक मार्वल मल्टीप्लेयर पे काम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें बहुत सारे कैरेक्टर आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि स्पाइडरमैन, हल्क और बहुत सारे। अभी उतना रिवील नहीं किया गया है लेकिन ये कन्फर्म है कि मार्वल का एक मल्टीप्लेयर गेम आने वाला है, वो भी बहुत ही जल्द। और जो नेक्स्ट गेम है वो 2026 से पहले नहीं आ सकता है और वो गेम है स्पाइडरमैन 3। हाँ भाई, स्पाइडरमैन 3, क्योंकि अगर आपने स्पाइडरमैन 2 देखा या खेला होगा तो भाई उसके इन में आपने देखा होगा कि जो नॉर्मन ऑस्बर्न है वो जेल में जाते और वहाँ पे प्रोफेसर ऑक्टेवियस से मिलते हैं और उनसे बोलते हैं कि भाई उनको मारना है स्पाइडरमैन। और उसके बाद ऑक्टेवियस बोलता है कि हाँ भाई मैं तो स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ। तो भाई जैसा एंड हुआ था उससे तो जबरदस्त हाइप क्रिएट हुआ स्पाइडरमैन 3 का। तो मैं आपको बता दूँ, स्पाइडरमैन 3 में बहुत सारे विलेन आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि ग्रीन गॉब्लिन, ऑक्टेवियस का फिर से रिटर्न हो सकता है। हो सकता है कि फिर से हैरी के अंदर कुछ वो लोग सीरम इंजेक्ट करके कुछ नया विलेन बना दे। और अगर आप कॉमिक्स को फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि और कौन कौन से विलेन आएंगे। मैं भी रिवील नहीं करना चाहता हूँ, थोड़ा सा हुक बना के रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इंसोमैनिक गेम की तरफ से ये 5 गेम आ सकते हैं। और आपको क्या लगता है कि कौन कौन से गेम इंसोमैनिक स्टूडियो ला सकता है, अभी आप कमेंट में बता सकते हैं। बाय बाय गाइस, फिर मिलते हैं बाद में। बाय।